हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डायल पैड टोन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ऑप्शन मिलेगा, तो ये साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब साउंड एंड वाइब्रेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा डायल पैड टोन, इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको टैप करके इसे ऑन करना है। तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी ये डायल पैड टोन सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी डायल पैड टोन सेटिंग जो ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करेगी, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन में ये जो फ़ोन ऐप होता है ना, फ़ोन ऐप वो आप ओपन करेंगे तो इसमें आपका डायल पैड होता है। इस डायल पैड पे आप किसी भी नंबर को आप दबाएंगे ना, तो आपका डायल पैड एक साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है, साउंड क्रिएट करता है आपका डायल पैड जब भी आप किसी भी नंबर को आप दबाते हैं तो, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करेगी आपकी इनेबल होने के बाद डायल पैड टोन सेटिंग, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना ये सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का ना ये सेटिंग पेज आपको फिर से ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सेटिंग का नेम डायल पैड टोन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं डायल पैड टोन, तो आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको ना एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो जब ये ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाता है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है इस तरीके से। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।